राजस्थान की लाल डायरी तो आपको याद ही होगी, जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन क्या आपको मध्य प्रदेश की गुलाबी डायरी का राज मालूम है? मध्य प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला हनी ट्रैप कांड अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब इस मामले में एक बार फिर कोर्ट ने तेजी दिखाई है। इसी सिलसिले में द सूत्र ने इस पूरे कांड से जुड़े हुए सैकड़ों पन्नों के रिकॉर्ड्स को खंगाला है, जिसके बाद सामने आई हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कितने मोबाइल और कितने लैपटॉप्स और आखिर कितने पेन ड्राइव्स में इस केस से जुड़े हुए वीडियोस हैं जो कि छिपे हुए हैं, और आखिर ये गुलाबी डायरी का माजरा क्या है और कहाँ है ये गुलाबी डायरी जिसके पास है और जिसके सामने आने से ये पूरा का पूरा राज खुल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर गुलाबी डायरी क्या है। ये हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड महिलाओं के पास रखी हुई एक गुप्त डायरी है, जिस पर गुलाबी रंग का कवर चढ़ा हुआ है। इस गुलाबी डायरी में पूरा हिसाब किताब है कि अभी तक किसे ब्लैकमेल किया गया और उनसे कितनी राशि वसूली गई। ये भी हिसाब है कि किन किन के वीडियो बनाए गए और उनसे मिलने वाली राशि अब तक बरामद की गई या फिर नहीं। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि इस डायरी में हिसाब किताब जो हैं वो की कोडवर्ड्स में लिखे गए हैं, यानी इस डायरी की ही जांच हो जाए और कोडवर्ड्स क्रैक कर लिए जाएं तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि अभी तक किन्हें और कितने लोगों के साथ अश्लील वीडियो बनाकर रकम वसूली जा चुकी है। इतना ही नहीं, इस गुलाबी डायरी के अलावा भी तीन और डायरियां हैं जिसमें जमीन के महंगे सौदे की जानकारी के साथ साथ रुपए का लेन देन का हिसाब भी कोड वर्ड्स में लिखा हुआ है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसमें अधिकारियों के ट्रांसफर्स के कच्चे प्रस्ताव तक लिखे हुए हैं, यानी ये गैंग अश्लील वीडियो के जरिए बनाए गए संबंधों का फायदा उठाकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का भी खेल खेल रही थी और कमाई कर रही थी। इस डायरी में ट्रांसफर पोस्टिंग के मोल भाव भी लिखे हुए हैं और किस पोस्ट के ट्रांसफर्स के लिए कितने रुपए लगेंगे, इनका हिसाब किताब भी इस डायरी में लिखा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये गुलाबी डायरी इस वक्त कहां पर मौजूद है। ये गुलाबी डायरी और बाकी की तीन डायरियां आरती दयाल के पास से पुलिस को जांच में मिली, जो कि अब कोर्ट में जमा है। अब बात कर लेते हैं लॉकर में मिली पांच पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल में वीडियो क्लिपिंग्स की, जो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। द सूत्र ने जब इनकी परतों को खंगाला तो सबसे अहम है श्वेता विजय जैन। इनके पास से मौजूद पांच पेन ड्राइव और उसका कंप्यूटर, बड़े लोगों की जितनी भी वीडियोस क्लिप बनी वो सभी बनी मोबाइल से, जो कि श्वेता विजय जैन का होता था या फिर उसके साथी का। लेकिन जिस भी मोबाइल से वीडियो बने उसे श्वेता देखती थी और उसे वो पेन ड्राइव में अपने लैपटॉप में रखती थी। ऐसे पांच पेन ड्राइव और लैपटॉप उसके भोपाल के ICICI बैंक के अशोक गार्डन थाने के ब्रांच से मिले हैं। खुद श्वेता ने माना कि इसमें एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। एक लैपटॉप बरखा के पास से भी बरामद किया गया है जिसमें वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं उन मोबाइल्स और पेन ड्राइव्स की जो जब्त किए गए और आखिर उसमें कितना डेटा मौजूद है। सबसे पहले बात श्वेता विजय जैन के पास से मिले मोबाइल्स की, तो श्वेता विजय जैन के पास ही श्वेता स्वप्निल जैन के नाम भी लैपटॉप और पेन ड्राइव हैं, जो कि उसके घर की अलमारी से जब्त हुए। आरती के पास से एक आईफोन और एक वन प्लस मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, साथ ही 32 GB के पेन ड्राइव भी बरामद की गई। श्वेता विजय जैन के पास सैमसंग मोबाइल, आईफोन, एक दूसरा मोबाइल और एक मोटोरोला मोबाइल के साथ साथ पांच पेन ड्राइव और लैपटॉप बरामद किए गए, जबकि श्वेता स्वप्निल जैन के पास सैमसंग मोबाइल के साथ 64 GB कार्ड और एक आईफोन भी बरामद किया गया। इतना ही नहीं, बरखा अमित सोनी के पास से दो मोबाइल, एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है। इन सामानों की जब्ती के बाद इनकी जांच राज्य साइबर सेल भोपाल में हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें जांच के लिए हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। इन सभी की रिपोर्ट्स अब SIT को भेजी जा चुकी है। ये सभी जानकारी और वीडियो अब कोर्ट के पास मौजूद हैं। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।